इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के रामलीला ग्राउंड में और हमें एक ऐसा परिवार मिला जो कि साकार नारायण साकार बिस्सरी, इनका जो है अनुयायी माना जाता है, काफ़ी आस्था इन लोगों की थी, लेकिन एक घटना ने कहीं ना कहीं इनकी दूरी बना दी। इनके पिताजी महावीर, जो कि एक पिछले 21 मई को जो सत्संग हुआ था यहीं बिछवा इनके आश्रम पर, वहीं से वो गायब हो गए। इन लोगों ने कई बार गुहार लगाई, यहाँ तक कि वहाँ अनाउंसमेंट में उनका नाम बोला जाए, लेकिन किसी ने नहीं बोला और आज तक उनका कहीं पता नहीं चला है। तब कहीं थक हार कर इनके परिवार के लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन महावीर का अभी भी कोई पता नहीं चल सका। हमारे साथ हैं उन्हीं के फैमिली के लोग। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या घटना हुई थी, पूरी विस्तार से बताइए। घटना ये हुई थी, मेरे पिताजी साकार बिस्सरी के वहाँ पर गए थे सत्संग में 21 मई। वहाँ से मैंने बोले, जो कार्यकर्ताओं उनसे बोला था मेरे पिताजी का अलाउंस कर दो। कार्यकर्ताओं ने बोला कोई खोया जाए कोई मर जाए अलाउंस नहीं होता वहाँ पर। हाँ, अलाउंस नहीं होता, कोई मर जाए खो जाए उसका अलाउंस नहीं होता है। एक के बटुआ खो गया, तोड़िया खो गया, औरत की 20 बार अलाउंस किया, ले जाओ यहाँ रखा, बात बोले बाबा की उस वहाँ पर। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप? हमारे पिताजी मम्मी 10 साल से जुड़े इसमें। 10 साल? हाँ, 10 साल उनकी सेवा में लगे दोनों। मैंने मना भी बहुत किया, ये कुछ नहीं रखा है इसमें, तो भी नहीं माने, वो लीन हो गए उनमें। उसी का परिणाम भोग रहे आज हम लोग सारे लोग। तो फिर जैसे गायब हुए, तब फिर क्या किया? गायब हुए, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, धन्नार में सारे कुछ एफ आई आर करा दी, ढूंढ रहे रात दिन, हर जिला हर मौजा ढूंढ चुके मैं, 1-1.5 महीना कंटिन्यू ढूंढ रहे, 20 गाड़ी 30 गाड़ी, 1000 रुपए पेट्रोल चला दी मैंने आदमी, तो कुछ का मरवट नहीं, मार पे कहाँ चले गए वो। अच्छा, जब ये गायब हुए तो बाबा जी से आप लोग मिल पाए, उन्हें बताया कि? बाबा जी तक तो पहुँचने दिया कार्यकर्ताओं ने, अंदर तो जाने नहीं दिया, वहाँ तक जाए पकड़ लो, पीछे कर दो तुरंत, बोला उनके पास जाने की अनुमति नहीं है किसी को भी, कोई भी आ जाए यहाँ पर, कोई भी चाहे राष्ट्र देश का कोई भी आ जाए उनके पास नहीं जा सकता है, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कोई भी उनके पास नहीं जा सकता है, मतलब कोई भी नहीं मिल सकता, उनके पास नहीं जा सकता कोई भी, कोई नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार, महावीर जी पिता थे? मेरे पिताजी थे। तो किस तरीके से ये बाबा के उसमें जुड़े? कुछ गांव से करीब काफी लोग जाते हैं हमारे सत्संग में जाते हैं, उनके साथ ये भी जुड़े हुए हैं, करीब 10 साल हो गए आते जाते रहे बराबर, एक दो बार हम भी इनके साथ गए मगर उनको समझ आया वो नहीं माने। अच्छा, आप जैसे गए इनके साथ में, आपने जो देखा तो क्या? मैंने देखा यहाँ सब भ्रमजाल है, यहाँ कुछ नहीं, आडम्बर है यहाँ। हमने बहुत काफी वो चले सत्संग में गए, वहाँ से गायब हो गए, मैंने बहुत काफी प्रयास किया ढूंढने का, हर जगह पोस्टर भी मैंने लगाए, करीब बिस्मावर भी 100-200 पोस्टर हमारे लगे हुए, पोलों पर दीवारों पर चिपके हुए, सबसे मैंने बात की, हमने साहब मेरा अलाउंसमेंट करके मेरे पिताजी को कुछ राहत मिल जाएगी, जो भक्त आते बाहर के आते हैं तो उनसे गाड़ियां आती है, अलाउंसमेंट कर दोगे तो हमको मिल जाएगी। अच्छा, आपके पिताजी के नाम पे कुछ जमीन वगैरह भी थी? हाँ, जमीन भी 1-2 बीघा पड़ती है उनके नाम पे है, ऐसा है तो हमने चलो इससे भी। अच्छा, जैसे आपके पिताजी गायब हुए, इससे पहले भी आपने ऐसा कुछ सुन रखा था कि और भी कुछ लोग गायब हुए हों? अब हो सकता हुए हो, हम जब हमारे ऊपर भी थी तो हम भी जानते हैं कि हम गायब हुए हैं, अब मैं ये नहीं कह सकते किसके क्या हुआ, क्या हो गया है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, सुनीता जी, आप भी इनके सत्संग में जाया करती थी? हाँ, कभी कभी चले जाते भोले बाबा से। हाँ, कभी-कभी। जैसे जाती थी, आपको क्या लगता था, क्या वहाँ पे कोई ऐसी चमत्कारिक कोई शक्ति थी ये जो अट्रैक्ट करती थी? हमें कुछ नहीं कर सकता है, हमें नहीं कुछ लगता। आपको कुछ नहीं ऐसा लगा, मतलब वैसे परमानेंट आप जाती थी? नहीं नहीं, कभी कभी आओ। कभी कभी, हमेशा नहीं जाती। अच्छा, हमेशा नहीं। बता रहे हैं कि जो नारायण साकार बिस्सरी है, इनके सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, ऐसा क्यों, क्या कारण है? पता ना क्या कारण है, जो तो वही जानती हैं क्या कारण है, हमें तो कुछ नहीं उसमें पता चला। क्योंकि तमाम उनके ऐसे अनुयायी हैं जो उनके बारे में एक शब्द नहीं, उन्हें भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। दर्जा देते, भगवान मानते हैं वो लोग, लेकिन हम, हाँ, इंसान कभी भगवान हो सकता है? हम तो नहीं कभी मानते हैं, लेकिन चाहे गुरु तो बन सकते हैं, पर भगवान नहीं कोई बन सकता है इंसान। लेकिन बता रहे कि उनके जो उनके गांव वाला आश्रम है, उसमें उन्होंने एक विष्णु भगवान के रूप में पूरा वो बना रखा है अवतार जैसे। अब पता नहीं कि हमने भी नहीं देखा ये चीज। अच्छा, आप भी गई थी जब आपके ये? हाँ, गायब हुए। हाँ। तब आपने वहाँ नहीं कहा सबसे?
हाँ बोला था हमने, हमें अगल बैठ जाने दे जी, सो गई नई स्त्री और भैया और बहने अगल अगल बैठे हैं, तुम अगल बैठो, हम हमें इनके पास बैठी है, बड़े बूढ़े हैं, इधर उधर हो जाएंगे, कुंक हो जाएंगे भीड़ में, इसलिए उन्होंने कहा मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगा, यहाँ ना बैठो, अंत बैठो, चार बार गए, चारों बार मुझे वहां बैठा भजा दिया कि भागो यहाँ से, कि हाँ मत बैठो, इकट्ठे नहीं बैठने दो दोनों, हमें मेरे फिर पापा और मम्मी और हम तीनों लोग थे, हम उनके साथ में रहे, जब तक उनके साथ में रहे घूमते रहे, फिर एक घंटा के लिए जब वचन देने आए तभी सबने जाकर यहाँ 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 इनके दर पर कोई नहीं खोता है यहाँ पर, इसी उनके यही भरोसा करके हमने भी एक घंटे के लिए छोड़ दिया वहाँ पर, तब उनके पास नहीं बैठे पर दूर बैठे रहे जाजान था वहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताते हैं कि बाबा जो है एक कोई दिव्य जल उनके वो देते हैं जिससे लोगों को काम बनते हैं, और बाबा की कोई चरण धूली जो होती है जिसको लेके भी यहाँ पे काफी जो घटना हुई है उसको लेने के लिए लोग आगे, क्या कुछ ऐसा चमत्कारिक था कोई ऐसी? हमें नहीं भैया, मुझे नहीं कुछ पता है इस मामले में, ना हमने ना हम कभी ले है, ना हम जाने, हम नहीं जानते इसके मामले में, ना मुझे कुछ मिला है ना हमने ली। अच्छा एक चीज देखा गया है कि बाबा के जो ये समागम होता था सत्संग जो भी, उसमें महिलाओं के आगे बैठने की व्यवस्था होती थी और पुरुषों के पीछे बैठने कुछ साइड साइड होती है, सारे एक साइड भाई लोग, एक साइड बहने लोग, हाँ मतलब इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, दूर दूर बैठते हैं। वैसे बाबा क्या संदेश देते थे? संदेश का जो अच्छाई बुराई का बताते हैं, अच्छा अच्छे व्यवहार चलो यही कर कहते हैं और कुछ नहीं। कुछ पैसा आपको चमत्कार है क्या? ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, कुछ नहीं लगा ना हमें भैया दर्शन भय ऐसे रूप में नाम जाने न जाने। एक और लोग हैं हमारे साथ में, उनके आपके क्या थे महावीर जी? चाचा। तो जैसे ये आप भी गए उनके सत्संग में? सत्संग में मैं तो कभी नहीं गया, मैं नहीं गया, लेकिन जब से ये हुए हैं 21 तारीख से, जब से उनके ढूंढने में और उसमें वहां गया था, 8 दिन तक उनको पर्चा लिख लिख के दिया, लेकिन उन्होंने 8 दिन के अंदर कोई अलाउंसमेंट नहीं करा, कोई अलाउंसमेंट नहीं। 8वें 9वें दिन हमने जब तकंदारी रखी, इन लोगों से पर्चे दिलवा दिए, फिर ये लोग चले गए, तब उसके बाद उसने पर्चे रखी, इन लोगों से पर्चे दिलवा दिए, फिर ये लोग चले गए, तब उसके बाद उसने पर्चे फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए, हाँ। फिर मैंने जब उठवाया तब उसको जोड़ के देखा तो वो नाम था, एड्रेस था हमारा, फिर उसको मैंने पूछा गया तो उसने ऐसा बोला कि हुए हुए का और मरे हुए का यहाँ अनाउंसमेंट नहीं होता है, नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब इत्तेफाक है अपने आप गायब हुए या इनको गायब करने में किसी की साजिश भी हो सकती है? साजिश भी हो सकती है गायब करने में, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, साजिश हो सकती है गायब करने की। अब हम लोग तो थे नहीं वहाँ, चाची थी, चाचा थे और ये बहू थी। अच्छा ये जो घटना हुई है हाथरस की, लेकिन बाबा अभी तक सामने नहीं आए, जबकि अपने को भगवान का रूप बाबा लोग मानते हैं, भगवान उसको मानते हैं लोग, हम नहीं मानते उसको भगवान, क्योंकि उसकी उसकी मामी को रखता है वो। कौन? ये साकार विश्वरी, वो जो उनके साथ में रहती है उसकी माई है। माई है कि पत्नी? पत्नी नहीं है, माई है। माई है? हाँ माई है, किसी को पूछ लो तुम। अच्छा हाँ, ये आपने नई चीज बताई है। नई चीज नहीं है, बहुत पहले से मैं तो इस चीज को जानता हूँ। कुछ और उनके बारे में बताइए, क्या उनके बारे में मतलब कि ये बाबा बने कैसे? बने कैसे? ये सर्विस करते थे पुलिस में, वहाँ इनके नाम से कुछ FIR दर्ज हुई है, फिर इनको लाइन सस्पेंड भी कर दिया गया, फिर उसके बाद ये इस्तीफा दे के चले आई, फिर यहाँ आके इन्होंने ढोंगशाला ये रच दिया। अच्छा ये घटना ये बताते हैं, इन्होंने कोई बच्ची बोल ली थी, इनके साली की बच्ची थी, वो जब खत्म होगी 2 दिन तक ये उसको अपने घर में ही रखे रहे, फिर आके पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार वगैरह करा। इसका नॉलेज मेरे को नहीं है। इसका नहीं है। अच्छा आप क्या नाम है आपका? कान सिंह। कान सिंह, कान सिंह जी आप क्या जानते हैं बाबा के बारे में जो अभी आप चर्चा कर रहे थे? बाबा तो ये है, उसकी माँ है, घरवाली थोड़ा हूँ, घरवाली नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि ये बाबा की पत्नी है। कोई नहीं समझता, सब जानते हैं, भक्ति भी जानते हैं, माँ है, सब जानते हैं, माँ है, सही जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। अच्छा आप कभी गए उनके सत्संग में? हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्या लगता है आपको बाबा के? हम इसलिए नहीं जाते, ये हमारे ये पड़ोसी है, ये वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ से जाओ जाओ, जो सेवा की उन्होंने मान लो वो वहाँ नहीं जगह थी, अंत लठा देते उनको, वो वहाँ से लापता हो गई, तब से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। उन्होंने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ कोई अलाउंस नहीं होता है। ए, हेलो, हेलो, ना, ना, यार, हेलो,
जो खो गए उनका, करके हम चले आए वहाँ से। अच्छा, हाँ तो मतलब आप कभी नहीं गए वहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ में महावीर सिंह जी के परिवार के लोग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महावीर जी 21 मई को बाबा के सत्संग में गए और वहीं से गायब हुए। कई बार उनसे आग्रह करने के बाद भी, यहाँ तक कि लिखित में भी उनको दिया गया, वो कागज जो है उन्हें डस्टबिन में फाड़ के फेंक दिया गया जो मिला, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद जो है इन्होंने थक हार कर पुलिस में FIR कराई, जिसमें इनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है, लेकिन महावीर सिंह का अभी तक कोई पता नहीं है।